मेरे घर वालों की एक बकैन भैंस थी जो मुझे देखते ही बाँ बाँ बोलते हुए मेरे पास आ जाती थी और मुझे चाटने लगती थी। उसका मुझसे बेहद लगाव था। मेरी एक विचित्र आदत थी, मुर्दैया पर जब भी मैं चराने जाता मैं उसकी पीठ पर एक घुड़सवार की तरह बैठ जाता। उसे किसी तरह एतराज नहीं होता। मैं उसकी पीठ पर बैठा रहता, वह घूमती फिरती चरती रहती थी। इसी दौरान एक दिन गांव के ही चिरखू ने भैंस के थन में लकड़ी से खोद दिया। भैंस बिदक कर बड़ी तेजी से उछल पड़ी। मुझे जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि मैं कैसे झाड़ी के पास जमीन पर गिर गया और बेहोश पड़ा रहा। झाड़ी से सटी एक कब्र थी। होश आने पर मेरे होश उड़ गए। भूतों के डर से मैं कांप गया। यह खबर बस्ती में फैल गई। सभी कहने लगे कि भैंसों पर भूत चढ़कर घूमते हैं, किंतु वे दिखाई नहीं देते। लोग मेरे बारे में कहते, इसके चढ़ने से वे नाराज हो गए हैं, इसलिए इसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। अपने चिरपरिचित अंदाज में नग्गर चाचा मेरे ऊपर बरस पड़े। मेरे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चिरकू को भूत समझूं या कि जो मुर्दैया में दफन थे उनको। यह पंक्तियां मशहूर साहित्यकार डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दैया से हैं। आज के आत्मकथा कार्यक्रम में हम बात करेंगे डॉक्टर तुलसीराम के जीवन और साहित्य पर। डॉक्टर तुलसीराम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एशियन एवं रशियन भाषा अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष रहे हैं और साहित्य के क्षेत्र में काफी चर्चित रहे हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा मुर्दैया और मणिकर्णिका के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में अपना अलग स्थान बनाया है। उनके लेखन में ग्रामीण दलित समुदाय का चित्रण, गरीबी, शोषण और दलितों की मजबूरी और बेबसी की छाप साफ तौर पर झलकती है। उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष को अपनी आत्मकथा मुर्दैया और मणिकर्णिका में बयां किया है। दो खंडों में बंटी उनकी आत्मकथा अनूठी साहित्यिक कृति होने के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के दलितों की जीवन स्थितियों और 60-70 के दशक में पूर्वांचल में वाम आंदोलन की सरगर्मियों का जीवांत खजाना है। हालांकि उनकी आत्मकथा दो भागों में भी संपन्न नहीं होती है। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा का पहला भाग मुर्दैया में उनके बचपन से लेकर मैट्रिक पास करने तक के जीवन को बयां किया गया है। वहीं मणिकर्णिका में उनके आजमगढ़ शहर में इंटरमीडिएट अध्ययन के दौरान के अनुभव, बीएचयू में हायर स्टडीज और वाम राजनीति में उनकी सक्रियता के बारे में बात की गई है। उनकी यह आत्मकथा बनारस से ट्रेन पर बैठकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लिए रवाना होने पर समाप्त हो जाती है। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा दो भागों में भी पूरी नहीं होती है। अगर वे जीवित रहते तो शायद उनकी आत्मकथा का तीसरा भाग भी आता और उसमें उनके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्ययन, प्रोफेसर बनने और वामपंथी विचारधारा से अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़ने की कहानी को बयां किया जाता। मुर्दैया और मणिकर्णिका को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो पता चलता है कि डॉक्टर तुलसीराम छात्र जीवन में अंबेडकर से ज्यादा वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे। इस दौरान उन्होंने अंबेडकर से ज्यादा वामपंथी विचारधारा की पुस्तकें पढ़ी। उनकी आत्मकथा में जातिगत आधारित वामपंथी विचारधारा को देखने को मिलती है। दोस्तों, आज का हमारा कार्यक्रम डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दैया और मणिकर्णिका पर आधारित है, जिसमें हम क्रमबद्ध तरीके से डॉक्टर तुलसीराम के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर तुलसीराम का जन्म 1 जुलाई 1949 को आजमगढ़ के धर्मपुर नामक गांव में हुआ था। बालपन में उन्हें चेचक की बीमारी हो गई, जिसमें उनकी एक आंख में दिक्कत हो गई और उनके चेहरे पर चेचक के दाग दे दिए, जिस कारण लोग उन्हें नापसंद करते और काणा कहकर बुलाते हैं। उनकी पत्नी का नाम प्रभा चौधरी है। गरीब दलित परिवार में जन्मे तुलसीराम बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे। उनके माता पिता तुलसीराम को ज्यादा पढ़ाने के इच्छुक नहीं थे। वे चाहते थे कि तुलसी सिर्फ पत्र पढ़ना लिखना जान जाए, तो उन्हें अगड़ों से पत्र पढ़ाने के लिए खुशामत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन तेजस्वी तुलसी को गांव से ज्यादा बाहर की दुनिया को जानने में रुचि थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा स्मृतियों के सहारे लिखी है। उन्हें अपने समाज और गांव से बहुत लगाव था। मुर्दैया पुस्तक की भूमिका में उन्होंने लिखा है, मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर की बहुउद्देशीय कर्म स्थली है। चरवाही से लेकर हरवाही तक सारे रास्ते मुर्दैया से होकर गुजरते हैं।
इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहां तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ने का रास्ता भी मुर्दैया से होकर गुजरता है। मुर्दैया से उन्हें सदैव लगाव रहा है। मुर्दैया में गुजारे जीवन को वे अपने विस्मरण से कभी भी नहीं निकाल पाए। मुर्दैया के बारे में उन्होंने लिखा है, मुर्दैया सही मायनों में हमारे दलित बस्ती की जिंदगी थी। जमाना चाहे जो भी रहा हो, मेरे जैसा कोई अदना जब भी पैदा होता है, वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन ही जाता है। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद जब मुर्दैया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है, तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाले जोगी बाबा, लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला बिखेरती नटिनिया, गिद्ध प्रेमी पग्गल बाबा और सिंघा बजाता बंकिया डोम जैसे जिंदा लोक पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। तुलसीराम ने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। वे आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते थे। अब उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए आजमगढ़ जाना था, लेकिन उनके माता पिता उन्हें अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते थे। तुलसीराम ने अपने माता पिता को बगैर बताए पढ़ाई के लिए घर छोड़कर भाग गए और आजमगढ़ शहर में अम्बेडकर हॉस्टल में रहकर कभी दूसरों से मदद लेकर, कभी फाका कर और कभी स्कॉलरशिप के सहारे अपनी पढ़ाई को जारी रखा। शुरुआती तालीम आजमगढ़ से लेने के बाद डॉक्टर तुलसीराम की जिंदगी के दूसरे अध्याय की शुरुआत बनारस से हुई। बचपन से किताबों के शौकीन तुलसीराम बनारस में मार्क्सवाद के संपर्क में आए तो उन्हें इससे बहुत संबल और साहस मिला। बनारस आने के बाद डॉक्टर तुलसीराम की जान पहचान कुछ लेखकों से हुई और अपनी जिंदगी के प्रेरणा रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं पर अध्ययन किया। इससे उनकी रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन हुआ। बनारस विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद वे दिल्ली आए और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के पद पर काम किया। गीत और कविताएं डॉक्टर तुलसीराम के जीवन के अभिन्न अंग रहे हैं। उनकी झलक उनकी आत्मकथा मुर्दैया और मणिकर्णिका में दिखती है। उनकी आत्मकथा मुर्दैया और मणिकर्णिका अनोखी साहित्यिक कृति होने के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के दलितों के जीवन स्थितियों और 60-70 के दशक में इस क्षेत्र में वाम आंदोलन की सरगर्मियों का जीवांत खजाना है। इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामाजिक आत्म को प्रोफेसर तुलसीराम ने अपनी स्मृतियों के सहारे अपने आत्म से जोड़ने की कोशिश की है। आत्मकथा के दोनों खंडों में उन्होंने हिंदी पट्टी में दलित समाज के हालात का भी बारीकी से वर्णन किया है। वे हिंदी और खासकर दलित साहित्य की अमूल्य निधि हैं। तुलसीराम न केवल साहित्य बल्कि एक ऐसा सामाजिक इतिहास देकर गए हैं जो अतीत की समझ के साथ भविष्य का रास्ता भी दिखाने में मददगार साबित होगा। वह एक पढ़ाकू पुस्तक प्रेमी थे। इसका साक्ष्य उनकी आत्मकथा से भी मिलता है। BHU की सेंट्रल लाइब्रेरी का हर कोना घूम घूम कर देखता रहा। लाखों किताबों का अंबार मुझे चौंकाने वाला सिद्ध हुआ। मन ही मन मैंने सोच लिया कि भविष्य में मेरा यही असली ठिकाना होगा। डॉक्टर तुलसीराम सेंटर फॉर रशियन स्टडीज एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज JNU में प्रोफेसर थे, लेकिन एलीट विश्वविद्यालय में रहकर भी वह अपने उन पात्रों को नहीं भूले जिन्हें आज भी सामाजिक दासता से मुक्ति नहीं मिली है। लोक जीवन की स्मृतियों ने कभी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनकी आत्मकथा पर उनके गैर दलित शिक्षक साथियों ने जश्न मनाए थे। JNU में पार्टियां हुई थी, मनुआ महा ठगवा हम जानी जैसा लोक गीत लिखकर उन्होंने अपनी चिंतन धारा का भी परिचय दिया था। लेखक होने के साथ साथ उन्हें राजनीति में भी दिलचस्पी थी। वह राजनीति के जितने बड़े जानकार थे उससे कहीं अधिक उन्हें बौद्ध अध्ययन में भी रुचि थी। वे निहायत संवेदनशील थे। उन्होंने लोक साहित्य में रच बस कर अपनी आत्मकथा लिखी। 13 फरवरी 2015 को दलितों के प्यारे लेखक, साहित्यकार, चिंतक डॉक्टर तुलसीराम कभी न लौटने वाली चिर यात्रा पर सदैव के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए।